हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन सिस्टम फार्मिंग चैनल। दोस्तों तो कैसे हो आप सभी, आशा करता हूँ फाइन होंगे। तो काफ़ी टाइम हो चुका वीडियो नहीं लेके आया हूँ। एक्चुअली अभी सिस्टम चला भी कुछ नहीं है ढंग से, तो वीडियो डालने का पर्पज़ भी कमी रहता है और बरसात भी लगी है, बारिश है, तो कुल्लू मनाली जगह इधर आप जानते ही है कि ठंड काफ़ी रहती है। तो ये देख सकते हैं आप लीकेजेज है पॉली हाउस में, तो जहाँ से पानी अंदर टपक रहा है वो अब ज़्यादा फिनिशिंग देने का खर्चा बनता नहीं है, तो काफ़ी टाइम भी हो चुका है, थोड़ी मेंटेनेंस में मांगता है। ये देख सकते आप परे भी पड़ चुकी है शीट। तो ओवरऑल जो जिप्सम फिला लगाया हुआ था देख सकते हैं आप, जो फिला लगा है लेकिन ग्रोथ, आजकल ठंड भी है वैसे तो ग्रोथ इतनी फास्ट तो नहीं है, बहरहाल ठंडा एरिया है तो थोड़ा टाइम तो लेगा सेट होने में, लेकिन ऑलमोस्ट जितने प्लांट्स हैं मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो इस बार मच नहीं बिछाई तो उसका खामियाजा भोगना पड़ रहा है, अधिक से घास लग चुका है तो निंडाई वगैरह हल्की करनी पड़ती है इस पर। तो ये लगाया हुआ था प्याज की नर्सरी, तो हालांकि सक्सेसफुल तो नहीं रही, तो बाहर से ही खरीदना पड़ा, तो तब करके अब लगाई भी है काफ़ी काफ़ी, तो क्या मतलब अपने एरिए के हिसाब से अपने कनेक्शन के लिए थोड़ा हो जाता है अच्छा पानी, तो उस हिसाब से लगाई हुई है। तो दिखाता हूँ आपको बाहर का फ़िलहाल, बाकी कुछ खास नहीं है। हाँ, एक आधा कमेंट मेरे को आया था कि जिससे फिला का प्रोवाइड करवा सकते हैं, प्रोवाइड तो मैं नहीं करवा सकता, बता सकता हूँ आपको, क्योंकि एक्चुअली वो किसान के ऊपर कार्ड बनता है तो उसी के बेस पे सब्सिडी बनती है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ECWR करके आपका पालमपुर में रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहीं पर कॉन्टेक्ट कीजिए आप, तो बाकी वही आपको बताएंगे किस तरह क्या प्रोसेस है अगर। तो एक्चुअली ये सिर्फ हिमाचल के लिए है, जो हिमाचल के सिटीज़न हैं किसान हैं उन्हीं के लिए वो सब्सिडी, तो बाकी स्टेट्स का पता नहीं, हो गया और वहाँ भी हो गया रिसर्च सेंटर्स कोई ना कोई, तो फाइंड इट तो पता लगेगा आपको। चलो आपको बाहर ले चलता हूँ, कैसा मौसम है दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप बारिश कंटिन्यूस लगी है, तो धुंध भी पड़ गई है, अभी 12 बजे के आसपास टाइम हो चुका है। तो ये लगाया हुआ है आपका स्प्रिंग ऑनियन, तो ये है सीडलेस के अनार के प्रोमिनेंट के पेड़, तो उनकी काफ़ी बारिश लगी हुई है कंटिन्यूसली। आपको दूसरे पॉली ऑफिस भी दिखाऊं, अपडेट नहीं करवाया काफ़ी टाइम से कि क्या क्या है, तो कुछ लोग तो बोलते भी होंगे कि हाइड्रोपोनिक्स का काम किया ही नहीं। एक्चुअली सबसे बड़ी बात यही है टाइम मैनेजमेंट, टाइम है नहीं, मैन पावर है नहीं, कोरोना के बाद तो ज़्यादा ही पंगा पड़ गया। तो ये देख सकते हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम वाला, तो इसमें तो भाई सबसे बड़ी बात यही है टाइम चाहिए, टाइम है तभी करके फ़ायदा है, ऐसे पैसा वेस्ट, मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट सारी चीज़ों को। तो इसमें देख सकते हैं मेरी गोल्ड अभी लगा हुआ है, अभी मैं बाहर ही हूँ, अंदर तो नहीं, तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ओवरऑल अभी तक, तो ठीक है जो भी है, लेकिन बाकी जो भी है वो देखिए आप बस। ये देख सकते हैं आप धुंध पड़ चुकी है, आपको ले चलता हूँ इस वाले में, इसमें भी गेंदा ही है, ये देख सकते हैं आप। तो इनकी भी वैरायटीज होती है अलग अलग, तो काफ़ी खिले हुए वैरायटी भी नहीं चाहिए होती, कोरिएंडर भी लगाया हुआ धनिया देख सकते हैं आप, तो कोरिएंडर तो भाई बहुत ज़बरदस्त लगता है इसमें, तो मतलब आप हाइट ही देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्ते हो चुके होंगे कोरिएंडर के। तो ये है ओवरऑल फूल, तो इसका तो ओवरऑल टाइम हो ही चुका है, तो इससे ज़्यादा तो बड़ा धनिया हो चुका है देख सकते हैं। तो सर्दियों में चला हुआ है, अभी फ्लावर दिख रहे हैं, हालांकि देख सकते हैं आप अभी भी टिके हुए हैं, वैसे सर्दियों में टिकते नहीं, पॉली हाउस में तो टिकेंगे ही टिकेंगे। तो ये जो वैरायटी है फ्लावर की, ये थोड़ी अलग वैरायटी है, और जो येलोइश फ्लावर मैं आपको दिखाऊँ, येलोइश तो देख सकते हैं आप, ये है येलोइश वैरायटी, तो टोटली डिफरेंट है, और ये सीड भी हाइब्रिड है, बाहर का सीड है, इंडियन सीड है नहीं। आप देख सकते प्लांट की ग्रोथ और किस तरह ये मतलब पोजीशन जो है तो किस तरह अच्छे भी लग रहे हैं, और सिंपल वाला जो दूसरा देखेंगे आप ऑरेंज कलर का, तो वो थोड़ा
शेप लेस है थोड़ा, मतलब कि शेप कुछ उसकी डिफॉर्म्ड है, लेकिन ये वाला जो लगा मुझे तो अल्टीमेट है। इसका प्लांट भी कुछ अच्छे से मतलब ग्रो करता है अलग से, देख सकते आप सिंगल बार पे स्टैंड हो गया बिल्कुल, और ठीक है मतलब वजन सहन कर लेता है जो है। इज़ कम्पेटिवली जो दूसरा गेंदे की बात करूँ, आप देख सकते हैं आप नीचे से ही वो खिला हुआ है, तो वेट भी सहन नहीं कर पाता कम। तो इस बार की तो पिछले साल तो फ्लावर फार्मिंग में चला गया, लेकिन ओवरऑल जो भी है ठीक है, कुछ ना होने से बेटर कुछ तो है। देख सकते हैं बाहर बारिश का जोर ठीक ठाक है, तो ले चलता हूँ आपको बाहर की तरफ। तो यहाँ भी लगाया हुआ स्प्रिंग अनियन, तो बाहर बारिश लगी है पूरा, तो ये देख सकते हैं आप स्प्रिंग अनियन लगाया हुआ है, तो ये भी तैयार हो जाएगा कुछ टाइम में। उस टाइम तो काफ़ी टाइम लग जाता है, 5-6 महीने के बीच में, तो वो भी आपके वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल गर्मी ठीक रहती है तो जल्दी भी तैयार हो जाता है, तो वही चीज़ होती है मेन, टेम्परेचर मैटर करता है, जो कि पॉली हाउस में अटेन रहता है लगभग काफ़ी हद तक। तो दोस्तों ये था मेरा सा छोटा सा आज का वीडियो ब्लॉग, तो करता रहूँगा अपडेट आपको नए वीडियो के साथ। तो देख सकते हैं छोटा मोटा व्यू दिखा दूँगा आपको, तो ये है अपना विलेज, ये है अपना घर का एरिया। तो मिलते हैं नए वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।